हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द सुख श्रेष्ठ एकेडमी। जल्दी जल्दी से उठ जाइए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को जल्दी से अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो क्या आज हम स्टार्ट करें? आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, तो इसमें क्या टॉपिक रहेगा हमारा? इसमें टॉपिक रहेगा इतिहास का विभाजन। क्या रहेगा? इतिहास का विभाजन। कल मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी। क्या हेडिंग डलवाई थी? इतिहास का विभाजन। करें स्टार्ट। रेडी हैं आप सब पढ़ने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई इशू? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, क्लियर है। चलो हम करते हैं स्टार्ट। क्या हेडिंग रहेगी? इतिहास का विभाजन। ये आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास का विभाजन क्या है? इतिहास का विभाजन, इसका मतलब है जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे इतिहास का विभाजन किया, जिससे कि हम इतिहास को और अच्छे तरीके से जान सकें। उन्होंने तीन पार्टों में इसे डिवाइड किया है, इतिहास को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए। इतिहास को जानने के लिए इसे और ज्यादा सुविधा इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए इतिहासकारों ने इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में? तीन पार्टों में इतिहासकारों ने। तीन भागों में डिवाइड किया है। दिख रहा है सबको? तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट? कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट? पहला कौन सा रहेगा? प्रागैतिहासिक। दूसरा कौन सा रहेगा? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा कौन सा था? ऐतिहासिक। इतिहास को और अच्छा जानने के लिए या फिर इसको सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाजनक। बनाने के लिए इतिहासकारों ने इन्हें तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से वो तीन भाग? एक प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक। प्राग कौन कौन से बताए थे मैंने? जल्दी से बताओ कौन कौन से बताए थे मैंने। हाँ, प्राग ऐतिहासिक, दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक। ये तीन पार्ट है, इन तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है इतिहास को, जिससे कि हम बहुत अच्छे से जान सके। तो आज हम सारे चीजों पर, तीनों पर चर्चा करेंगे। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है, ठीक है? करें स्टार्ट। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक। किस पर बात करते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या है? प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है कि इस काल के बारे में अगर हमको जानना है तो इसके जानने के स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत ही है इसको जानने के, क्योंकि इसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इस इतिहास को जानने के लिए हमारे स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो हम क्या लिखेंगे?
इस काल को जानने के लिए। प्रातात्विक इस काल को जानने के लिए प्रातात्विक हूं, प्रातात्विक ही स्रोत है, ऐसे बोल सकते हो, स्रोत है। इनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है इस काल का। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल को हम बस पुरातात्विक स्रोतों के थ्रू ही जान सकते हैं। इसका कहीं पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? सिक्के हो गए, आपके अभिलेख हो गए, मन के हो गए, भवन हो गए, चित्रकला हो गए, ये सारी चीजें होती हैं किसमें? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती हैं ये सारी चीजें। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहीं पे कोई लिखा नहीं है, लिखित नहीं है, इसके साक्ष्य लिखित नहीं मिले हैं। बस इन्हीं के थ्रू हम जान सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। मानव सभ्यता ने क्या किया था? मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को और अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि हम उसको और अच्छे से जान सके, तो उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? तीन भागों में। इसे और अच्छे से जानने के लिए और सुविधाजनक तरीके से जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए इसे भी तीन पार्टों में डिवाइड किया है। किन के लिए? इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में। किया गया है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग? इसके भी तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल। कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्यपाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। तीसरा कौन सा रहेगा? आपका रहेगा नवपाषाण काल। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल क्या होता है, मध्यपाषाण काल क्या होता है, और नवपाषाण काल क्या होता है। दिख रहा है आप सबको अच्छे से? क्या था इसमें? क्या था प्रागैतिहासिक काल में? इसमें हम इसे बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए तीन भागों में डिवाइड किया था प्राचीन इतिहास को। क्या था? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और क्या था? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के कोई भी साक्ष्य नहीं है लिखित में। इसको पुरातात्विक तत्वों के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसके बाद क्या, इसे और अच्छे से समझने के लिए इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन से है वो? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और क्या था? नवपाषाण काल। अब हम चर्चा करेंगे इन तीनों पे। पुरापाषाण काल क्या होता है, मध्यपाषाण काल क्या होता है, और नवपाषाण काल क्या होता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी? नवपाषाण काल। तो जल्दी से डाल दीजिए पुरापाषाण काल क्या रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से भीमबेटका, भीमबेटका के क्या है? भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं वो किस चीज के हैं? वो कौन से पाषाण काल के हैं? तो वो हैं प्रापाषाण काल के। भीमबेटका की चित्र गुफा हैं, जो चित्र गुफा वो कौन से काल के हैं? वो प्रापाषाण काल के हैं, पुरापाषाण काल। प्रापाषाण काल से
संबंधित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में जो चित्र है वो कौन से काल से रिलेटेड है? तो वो प्रापाषाण काल से रिलेटेड है। वहां पे कौन से काल का इस्तेमाल किया गया है? वहां पे प्रापाषाण काल का इस्तेमाल किया है। क्लियर है चीजें? ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आगे क्या है? पहिए का प्रयोग। पहिए का प्रयोग कौन से काल में किया गया था? पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। आवाज आ रही है मेरी सबको? नवपाषाण काल में किया हुआ था। और क्या था? पहिए का प्रयोग किस में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, भीमबेटका की जो चित्र गुफाएं हैं, जो गुफाओं में चित्र बना हुआ, वो कौन से काल का था? वो प्रापाषाण काल का था। पहिए का इस्तेमाल या प्रयोग बोल सकते हैं वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आगे क्या था? कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। और क्या? मानव द्वारा आग का निर्माण। आग का निर्माण कब हुआ था? आग का निर्माण भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो हम लिखते हैं कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। और क्या था? और क्या बताया था मैंने? कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। और क्या था? मानव द्वारा निर्मित आग। मानव ने आग का निर्माण किस काल में किया था? आग का निर्माण भी नवपाषाण काल में हुआ था। आग का प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। कौन से काल में किया था? नवपाषाण काल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? कृषि का विकास जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। ये प्रापाषाण या मध्यकाल में नहीं हुआ था, ये नवपाषाण काल में हुआ था। लहुरा देव के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले थे? लहुरा देव के कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले थे? प्राचीनतम काल में मिले थे। लहुरा देव के जो कृषि साक्ष्य हैं वो क्या? प्राचीनतम काल के हैं, या फिर बोल सकते हैं प्राचीनतम साक्ष्य हैं लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो प्राचीनतम साक्ष्य हैं। क्या है? लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? दिख रहा है सबको अच्छे से? कोई डाउट कहीं पे? लहुरा देव में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो साक्ष्य कृषि के मिले हैं वो क्या है? वो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्रयोग कब किया जाता था? कौन से काल में हुआ था पशुपालन का विकास बोल सकते हैं कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। कब हुआ था? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में हुआ था। आगे हम बात करते हैं और हम बात करते हैं क्या है? और मध्यपाषाणकालीन मधा जो था, मध्यकालीन पाषाण मधा था, वो उससे क्या क्या मिला है?
मध्यकालीन मदहा क्या है, वहां से हमें क्या मिले, वहां से हमें हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण मिले, क्या मिले वहां से, हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण में मध्यकालीन मदहा। से हमें क्या मिले हैं, सींग और हड्डी, सींग व हड्डी से बने उपकरण मिले हैं, हड्डी से बने उपकरण मिले हैं। उपकरण मिले हैं क्लियर है, समझ आ रहा है, और क्या क्या था यहाँ पे, इसको साइड में रख देते हैं। इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है, दिख गया, ठीक है, आगे बढ़े। और क्या क्या मिला है यहां से, गर्तावास के साक्ष्य बुरझोम से मिले हैं, क्या गर्तावास के साक्ष्य बुरझोम से मिले हैं, बुरझोम कहाँ है, ये कश्मीर में बुरझोम से मिले हैं, बुरझोम कश्मीर, कश्मीर बुरझोम से मिले हैं। गर्तावास क्या होता है, गर्तावास क्या होता है, गर्तावास एक गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, जिससे कि सर्दी के मौसम में उनकी सुरक्षा हो सके सर्दी से, तो वो होता है गर्तावास। सवाल आ जाए कि गर्तावास क्या होता है, तो आप अब अच्छे से बता सकते हैं गर्तावास क्या होता है, गड्ढे उस टाइम पे गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था, सीढ़ियों के थ्रू नीचे जाया जाता था, जिससे कि सर्दी के मौसम में सर्दी से बचा जा सके, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गया, वो क्या था प्रागैतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं आधे ऐतिहासिक काल, अब हम बात करेंगे आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल इस पे चर्चा करेंगे आज हम। आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, क्या होता है इस काल की जानकारी है, तो इस काल की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस काल की जानकारी हमें साहित्य और पुरातात्विक तथा विदेशियों के विवरण से मिलती है। कहाँ से मिलती है ये हमें साहित्य, इस काल की जानकारी, इस काल की जानकारी स्रोत क्या क्या है, साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और क्या था, विदेशियों का विवरण, वे विदेशियों का विवरण, ठीक है। हमें कहाँ से मिलती है ऐतिहासिक काल की जानकारी, इस काल की जानकारी हमें साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण, यहां से हमें जानने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल, उसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नाम से पता चल गया होगा ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा। ताम्रपाषाण काल क्या होता है, ताम्रपाषाण काल वो होता है जिसमें मनुष्य ने तांबे के साथ, क्या होता है उसका मतलब, उसका मतलब होता है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ
पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया होता हूं, उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। तो क्या बोलते हैं इसको? ताम्रपाषाण काल, जिसमें मनुष्य पत्थर मनुष्य वे तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करें। औजारों का साथ साथ प्रयोग करें, साथ साथ इस्तेमाल करें या प्रयोग करें। इस्तेमाल करें, जिसमें मनुष्य पत्थर व तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। क्या बोलते हैं उसको? ताम्रपाषाण काल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको कैकलोथिक। क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोल सकते हैं इस काल को कैलकोलिथिक। अगर सवाल आ जाए कि कैलकोलिथिक क्या होता है, तो कैलकोलिथिक इसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्लियर है? कैलकोलिथिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें मनुष्य पत्थर या तांबे के औजारों का साथ साथ इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उस काल को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल या फिर कैलकोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल या फिर कैलकोलिथिक काल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैलकोलिथिक काल क्या होता है, तो आप यहां से बता सकते हैं इसका ही दूसरा नाम क्या है? कैलकोलिथिक है। ठीक है, क्लियर है? सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया था। किस लिए? सर्वप्रथम तांबे का इस्तेमाल, सर्वप्रथम तांबे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया था। किस लिए किया गया था? औजार बनाने के लिए। औजार बनाने के लिए किया गया था। तांबे का जो इस्तेमाल किया था, वो सबसे पहले औजार बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? ताम्रपाषाण काल क्या होता है? जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए, और इसका तांबे का सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था वो औजार बनाने के लिए किया था। उस टाइम पे बस पत्थर के औजार थे, बट उसके बाद क्या है, तांबे के औजार भी बनने लगे। ठीक है, भारत में ताम्रपाषाण कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह मिलते हैं, तो कहाँ पे इसकी संस्कृति थी? भारत में ताम्रपाषाण इसमें क्या है कि ये कहाँ कहाँ पे थी? ताम्रपाषाण अवस्था के जो मुख्य क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? तो कौन कौन से क्षेत्र थे? वो थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और क्या था, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत। ठीक है, ये था क्या था इसमें, मैंने अभी बताया था कि कहाँ कहाँ पे थे ताम्रपाषाण के जो मुख्य क्षेत्र थे वो कहाँ कहाँ पे थे? तो वो थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान अवस्था के क्षेत्र बोल सकते हैं, या सबसे कहां कहां पे थे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान था और कहाँ पे था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, और क्या, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया था, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, और कहाँ था? पश्चिमी महाराष्ट्र। और क्या था? पश्चिमी महाराष्ट्र।
आदि। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्या था? मालवा मृदभांड। मालवा मृदभांड क्या था? ये ताम्रपाषाण के सबसे उत्कृष्ट माने गए हैं। मालवा मृदभांड जो है वो ताम्रपाषाण काल से सबसे उत्तम माने गए हैं। ठीक है, मृदभांड को सबसे उत्तम माना गया है, मालवा मृदभांड। को ताम्रपाषाण काल का सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, सबसे उत्तम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। मालवा मृदभांडों को ताम्रपाषाण काल का सबसे उत्तम मृदभांड माना गया है। ठीक है, क्या माना गया? सबसे अच्छा। सबसे अच्छा मृदभांड माना गया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? सबसे अच्छा माना गया। उसके बाद बात करते हैं हम जॉर्विस लो को। सब जॉर्विस लो का जो सबसे बड़ी जगह है वो क्या है? दैमाबाद। कौन सा है वो? दैमाबाद, जॉर्विस लो का। सबसे बड़ा स्थान जॉर्विस लो का सबसे बड़ा स्थान कौन सा रहा है? दैमाबाद, दैमावाद रहा है, या बोल सकते हैं दैमावाद था, दैमावाद है। क्लियर है सारी चीजें यहां तक? कोई डाउट? आगे आगे हम बात करते हैं। और कहते हैं यहां तक कोई चीजें, कोई डाउट है आपको जल्दी से बताओ, और इस सेशन को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके भी सारे एग्जाम क्लियर हो सके, वो भी अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ाई कर सके। हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़े। और क्या था? कायता के मृदभांडों पर। ये क्या था? कायता, कायता के मृदभांडों पर हड़प्पन, हड़प्पन बोल सकते हैं, या प्राग हड़प्पन बोल सकते हैं, या हड़प्पोत्तर संस्कृति बोल सकते हैं, हड़प्पन या हड़प्पोत्तर। संस्कृति बोल सकते हैं हड़प्पन संस्कृति के। ये क्या था? कायथा के मृदभांडों पर हड़प्पन या हड़प्पोत्तर संस्कृति क्या है? इसके क्या मिले हैं हमें? साक्ष्य मिले हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता था। आगे आगे हम बात करते हैं। और क्या क्या था? और क्या क्या था जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? सभी ताम्रपाषाण समुदाय जो भी थे, सभी ताम्रपाषाण समुदाय क्या करते थे? वो काले रंग पे वो चाकों का बनाते थे। क्या बनाते थे? चाकों पर बने काले व लाल रंग के मृदभांड पाए जाते थे, उनका प्रयोग करते थे। सभी समुदाय क्या करते थे? चाकों पर काले और लाल रंग के मृदभांडों का उपयोग करते थे। किसमें? ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल। समुदाय चाकों पर काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? प्रयोग करते थे। क्लियर है आज तक चीजें? कोई डाउट किसी को? उस टाइम पे क्या था? चाकों पर काले और लाल मृदभांडों के क्या होता था? प्रयोग करते थे, इनका काम किया जाता था। आपने पढ़ा भी होगा कि उस टाइम पे मोस्टली काले और लाल रंग के मृदभांड ही मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें। मानव द्वारा जो निर्मित थे वो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता? तांबे, कांसे, और कौन सा था?
तांबे कांसे और लोहा धातुओं का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था मानव द्वारा उस टाइम में, क्या था मानव द्वारा? कांसे, तांबे व लोहे। धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था मानव के द्वारा सबसे ज्यादा कांसे, तांबे और लोहे, इन तीनों धातुओं का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा गया था उस टाइम में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आगे बात करेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। हड़प्पा सभ्यता कौन से काल में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कौन से काल में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और क्या है, और क्या था इसका? सिंधु सभ्यता, इसे सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या फिर बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता, या फिर बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो थी वो कौन से काल में आती थी? वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती थी। कौन से काल में आती थी? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? वो 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका टाइम पीरियड क्या था? 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसमें क्या था? इसमें काले रंग की आकृतियों पर लाल मृदभांड पाए गए थे। काले रंग की आकृतियों पर, और क्या था इसमें सिंधु सभ्यता में? और क्या था जल्दी से बताओ? इसमें काले रंग की आकृतियों पर चित्रित लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? क्या मिले हैं यहाँ पर सभ्यता? इसकी ये विशेषता थी कि इसमें काले रंग के चित्रित आकृतियों पर लाल रंग के मृदभांडों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसमें इसे काले रंग की आकृतियों पर पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। ये इस काल की विशेषता थी या इस सभ्यता की? ये इस सभ्यता की विशेषता थी। ये इस सभ्यता की विशेषता थी। ठीक है, आगे बात करें हम, और क्या था इस काल में बताओ जल्दी से? और कैसी थी ये सभ्यता? पढ़ा होगा, ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी ये? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे क्या? ग्रिड ग्रिड पद्धति में घर बनाए गए थे, आप बोल सकते हैं नगर बनाए गए थे। ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी और यहां पर ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। यहां पर कौन सी पद्धति का? ग्रिड।
यहाँ पर ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। इस्तेमाल किया गया था कहाँ पर? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक ही बात है, किया गया था। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कुछ डाउट समझ आ रहा है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? उनका उत्खनन सबसे ज्यादा कहाँ से हुआ? वो हुआ गुजरात से। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, क्या स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक प्रास्तलों का, जो प्रास्तलों का उत्खनन हुआ वो कहाँ से हुआ? गुजरात से, स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक जो उत्खनन हुआ है वो गुजरात से हुआ। कहाँ से हुआ है? गुजरात। गुजरात से हुआ है। इस सभ्यता का जो सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ वो कहां से हुआ? गुजरात से हुआ है। स्वतंत्रता के बाद की बातें हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? इस काल के जो व्यक्ति थे उन वो सबसे ज्यादा किस विषय में जानते थे? वो कौन से धातु के बारे में जानते थे? तो वो सोना, चांदी, तांबा। कौन से थे? सोना, चांदी, तांबा व और कौन सा था? कांस्य। इनके बारे में जानकारी थी। इनके बारे में जानकारी थी। लोहे की जानकारी नहीं थी। क्या नहीं थी? लोहा धातु की जानकारी नहीं थी उन्हें। लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। क्लियर है यहां तक चीजें? किस किस की जानकारी थी? चांदी, सोना, तांबा, कांसा, इन सब की जानकारी थी। लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। जल्दी जल्दी बताओ। लोथल से और क्या मिले हैं इसको? लोथल, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं और क्या मिले हैं सभ्यता से? यहां से, यहां पर जो प्रमुख फसल थी या खेती थी वो क्या था? गेहूं और जौ। यहां पर गेहूं व जौ। जानकारी मिलती है या साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य लिख लिया मैं, जो के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे वो गेहूं और जौ की खेती करते थे। साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर बताओ? और क्या यहाँ पे गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं? और क्या मिला? हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी के साक्ष्य में मिले हैं। हरियाणा के बनावली से हरियाणा की बनावली से पक्की ईंटों का
पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। पक्की ईंटों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? ये हरियाणा के बनावली से। क्लियर है आज तक सारी चीजें? स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक जो उत्खनन हुआ है वो गुजरात से हुआ है। सिंधु सभ्यता का सोना, चांदी, तांबे और कांस्य, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे इन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। लोहे धातु के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले कि उस टाइम पे यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। हरियाणा की बनावली से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मिले हरियाणा के बनावली के। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पानी पी लो थोड़ा सा। चलो मैं ही पी लेती हूँ। और क्या है? सैंधव सभ्यता से विशाल स्नानागार मिले हैं। और क्या क्या मिले हैं? सैंधव सभ्यता से और क्या क्या मिले हैं? सैंधव सभ्यता से विशाल स्नानागार मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं ये विशाल स्नानागार? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो, मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो सैंधव सभ्यता से विशाल स्नानागार मिले और ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं आपको मोहनजोदड़ो से। क्लियर है, आगे बढ़े। और क्या है? राजस्थान के कालीबंगा से। और क्या है? राजस्थान के कालीबंगा से। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि उस टाइम पे उनका जो इनकम सोर्स था वो क्या था? कृषि था, मोस्टली किसी कृषि या पशुपालन, ये चीजें ही थी। तो क्या है? राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और सैंधव सभ्यता से विशाल जो स्नानागार के साक्ष्य मिले वे कहाँ से मिले? वो मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है आज तक? कोई चीज, कोई दिक्कत? राखी गढ़ी हरियाणा के, राखी गढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे पर है। यहां तक की चीजें क्लियर है? घग्गर नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? हाँ, जो भी मैं लिखवा रही हूँ ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको फ्री में ये सारी चीजें मिलेंगी। सारा मटेरियल आपको वहीं पे फ्री मिलेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव क्या है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव की पूजा की जाती थी या करते ही की बात है की जाती थी। सारे जो भी पॉइंट्स है सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है?
इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि शिव की पूजा की जाती थी? तो इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो के मोहरों से मिलता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहरे हुई हैं, प्राप्त मोहरों, इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? तो इससे इसके साक्ष्य में मिलते हैं मोहनजोदड़ो के मोहरों पर, जिस पर एक योगी की, मोहनजोदड़ो की मोहरों पर जिस पर एक योगी की आकृति है, जिस पर एक योगी की आकृति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर जिस पर एक योगी की आकृति है, इस योगी की आकृति से उन्होंने आइडिया लगाया कि ये एक पशुपति शिव जो हमारे भगवान शिव हैं उसकी आकृति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? हो आ गया यहाँ तक समझ? उस टाइम पे किसकी पूजा की जाती थी, समझ आ गया? ठीक है, और क्या था इसमें? उस योगी के दाई ओर, उस योगी के दाई ओर, उस योगी के दाई ओर कौन सी, किस चीज, कौन से पशु की वो थी चित्र, कौन से पशु के चित्र थे? जल्दी जल्दी बताओ, मैं देख रही हूं जल्दी से। उस योगी के दाई ओर किसकी थी, जल्दी से बताओ। हाँ मैं देख रही हूं, जल्दी बताओ किस चीज की थी। दाई ओर बाघ, वे हाथी तथा बाई ओर किसकी थी, जल्दी बताओ। तथा बाई ओर जल्दी 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 बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ मैं तुम्हारी कमेंट ले रही हूँ, जल्दी बताओ किसकी थी, जल्दी बताओ। अब तो मैंने लिख भी दिया है फिर भी नहीं बोला जा रहा तुमसे, जल्दी जल्दी बताओ। उस योगी के दाई ओर बाघ और हाथी तथा बाई ओर गैंडे और भैंस की, भैंसा, भैंस भेंस नहीं, भैंसा की आकृति थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, ये आइडिया किस वजह से लगाया उन्होंने? क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो मोहरे प्राप्त हुए उस पर एक योगी की आकृति थी, और उस योगी की आकृति थी, और उस योगी के दाई ओर किसके थे चित्र, बाघ और हाथी के, और बाई ओर किसके थे, भैंसा और गेंडा, ये दोनों आकृतियां थी, या बोल सकते हैं दोनों चित्र थे योगी के लेफ्ट राइट में। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? क्लियर है, आगे स्टार्ट करें हम, जल्दी जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मैं साइड हो गई हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है बोलो। ले लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, आगे आगे बढ़ते हैं। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने क्या था, 1922 में राखलदास बैनर्जी ने क्या पता लगाया? उसने सिंध प्रांत के 1922 में राखलदास बैनर्जी, सिंध प्रांत के कौन से जिले, सिंध प्रांत के कौन से जिले थे? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, वहां से मोहनजोदड़ो क्या था, वहां से बैनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले से कहा क्या था कि उस नदी पे क्या मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं, कि उस क्या मिले हैं, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? हाँ यस यस, आ रही है आपकी कमेंट, आ गया। ठीक है, सिंध प्रांत के क्या था, तट पर 1922 में राखलदास बैनर्जी क्या बताया, इस राखलदास बैनर्जी ने, इसने बताया था कि उस टाइम पे क्या था, सिंधु नदी के तट पर, 1922 में राखलदास बैनर्जी ने बताया कि सिंधु नदी के तट पर बताया कि
सिंधु नदी के तट पर। कौन सी बताओ, कौन सी सभ्यता, मतलब इसके कौन से साक्ष्य मिले थे? तो मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले थे। कौन से मिले थे? मोहनजोदड़ो के। तो ये भी आ सकता है, ठीक है, दाहिने तट पर, सिंधु नदी के तट पर या बोल सकते हैं, या इसके दाहिने तट पर, इसके दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये किसने बताया? राखलदास बैनर्जी ने। कब बताया? 1922 में। क्लियर है आज तक सारी चीजें? कोई डाउट है किसी को? तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अभी ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई, ये हम अभी कल फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे पॉइंट है जो बचे हुए हैं, बहुत सारी जानकारी है जो इसकी अभी बची हुई है, तो इन सब पे चर्चा हम कल करेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक आप ये सारी रिवाइज कीजिए, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे सारी चीजें आपके माइंड में सेट रहेंगी, और ये सेशन अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है? तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है? यहां से इतिहास का विभाजन, इतिहासकारों ने इतिहास को और अच्छा सुविधाजनक बनाने के लिए तीन भागों में विभाजित किया गया, वो कौन से थे? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और कौन सा था? ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, इस काल को जानने के लिए पुरातात्विक ही स्रोत है, या फिर इस काल की कोई लिखित जानकारी नहीं है, इसको सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा ही जाना सकता है। इसे और अच्छे से जानने के लिए इसे तीन भागों में विभाजित किया गया, कौन से है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और कौन सा? नवपाषाण काल। क्लियर है आज तक? आगे, भीमबेटका के चित्र गुफा जो है वो कौन से काल से? प्रापाषाण काल से संबंधित है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ। मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? नवपाषाण काल में किया था। लहुरा देर में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। पशुपालन का प्रयोग क्या है? मध्यपाषाण काल में हुआ था। कौन से काल में? मध्यपाषाण में। मध्यकालीन मदहा से सींग और हड्डी के बने उपकरण मिले हैं, और क्या? गर्तावास के साक्ष्य बुर्जोम कश्मीर से मिले हैं। गर्तावास से क्या होते हैं? गर्तावास क्या होते हैं? उस टाइम पे गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे, जिससे कि सर्दी के मौसम में बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल क्या? इस काल की जानकारी हमें साहित्य स्रोत या फिर पुरातात्विक स्रोत या फिर विदेशियों के विवरण से मिलती है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल क्या है? जिसमें मनुष्य पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का एक साथ प्रयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसे कैल्कोलिथिक भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्कोलिथिक। सर्वप्रथम तांबे का जो प्रयोग किया था वो औजार बनाने में ही किया गया था, कोई आभूषण या उपकरण बनाने में नहीं। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के क्षेत्र कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सब है। और क्या? मालवा मृदभांडों को ताम्रपाषाण काल का सबसे अच्छा मृदभांड बताया गया है, कौन से? मालवा मृदभांडों को। जौरवस्लो का जो स्थान है वो कौन सा है? दैमाबाद। कौन सा है वो? दैमाबाद। कायथा के जो मृदभांड है उन पर क्या? हड़प्पा या हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर मिले हैं। ताम्रपाषाण में समुदाय चाकों पर, ताम्रपाषाण काल जो था उसमें क्या था? चाकों पर काले व लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? मतलब वो काले बनाते, फिर उसके ऊपर काले जो भी मृदभांड थे वो बनाते और उनके ऊपर लाल रंग की आकृतियां बनाते थे। इन दो रंगों का ही प्रयोग किया जाता था उस टाइम में, या तो काला या लाल, ठीक है। मानव द्वारा कान से तांबे व लोहे के धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, कौन से धातु का? कान से तांबे और लोहे, ठीक है। आगे क्या था? हड़प्पा सभ्यता, ये लोहे का जो इस्तेमाल हुआ है ये हमारा उसमें हुआ था, प्रागैतिहासिक काल ये या फिर प्राचीन इन सब में हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता जो आती है वो किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल का क्या था? इसमें लोहे की जानकारी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता भी कहते हैं। किसको? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को। ये कब से कब तक थी? ये 2600 से 1700 ईसा पूर्वी तक थी। इसे काले रंग की आकृतियों पर लाल रंग के चित्र पाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया था कि वहां पे लाल और काले रंग का दो ही रंगों का इस्तेमाल होता है, ऐसे यहाँ पे लाल व काले रंग का इस्तेमाल हुआ है। ये एक नगरीय सभ्यता थी जो ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी। ग्रिड मीन्स ऐसे बनी हुई थी। ये सारे जितने भी रास्ते थे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। आगे बढ़े, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक जो उत्खनन हुआ था
ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। चांदी, सोना, तांबा व काश है, इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें वहां से। वहां पे लोहिक धातु का कोई प्रयोग नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी उनको। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गेहूं व जौ की खेती की जाती थी, क्योंकि इनके साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा की बनावली से पक्कीटों के साक्ष्य मिले हैं। और क्या है, सैंदव सभ्यता से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। कहाँ से? वो मिले मोहनजोदड़ो से। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं कि इस टाइम पे खेती की जाती थी, क्योंकि अभी बताया ना लास्ट में जो और गेहूं के ही मिले हैं साक्ष्य, तो यहाँ पे जुते हुए खेत भी मिले। राखी गढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा की जाती। ये किस बेस पे बोला गया है कि उन्होंने शिव की पूजा की जाती? क्योंकि उन्हें एक मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई है, जिसपे एक योगी बैठा हुआ है, और उसके दाईं ओर क्या है, उसके दाईं ओर बाघ और हाथी, और बाईं ओर उसके क्या है, गैंडा और भैंसा है। क्या है? गैंडा और भैंसा। आगे बढ़े। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने बताया कि सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, इसके साक्ष्य मिले हैं। किसने बताया? 1922 में राखलदास बैनर्जी ने। आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? तो अपना आप सब ध्यान रखिए, और इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और कोई डाउट है आपका तो कमेंट कर में भेजिए, मैं कल आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। क्लियर? डन? ठीक है।